नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे राजनीति की एक और खास रणनीति पर चर्चा करने वाला हूं। यह रणनीति है अपनी शक्तियों को जानना, अपनी क्षमताओं को जानना। और इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। जब भी आपको समय मिले, कम से कम हफ्ते में एक दिन और यदि हो सके तो रोज 15 से 20 मिनट अपने आप से बात करिए। जी हाँ, अकेले कमरे में चले जाइए, अपने आप से बात करिए, अपनी शक्तियों को जानने का प्रयास करिए। क्योंकि एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति है जो आपकी कामयाबी के लिए 100% गारंटी ले सकता है, और व्यक्ति आप खुद हैं। जी हाँ, आप अपनी क्षमताओं को जानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपनी कमियों पर भी फोकस करिए। कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यदि उनमें इंप्रूवमेंट हो जाए तो आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज आपकी शक्तियां हैं, जो आपके हाथ में, आपके नियंत्रण में हैं, जिन्हें आप और बढ़ा सकते हैं और निखार सकते हैं। अपने गुणों पर फोकस करिए, अपने अवगुणों पर फोकस करिए और किसी दूसरे को कंट्रोल मत लेने दीजिए। आपकी क्षमताओं के बारे में यदि आप जान लेंगे तो आपका कंट्रोल आपके अपने हाथ में होगा। यदि आपकी किसी ऐसी चीज के बारे में, ऐसे काम के बारे में तारीफ की जाएगी जो गुण आप में नहीं है, तो आप जानते होंगे कि ये गुण मेरे अंदर नहीं है, मेरी झूठी तारीफ की जा रही है। और यदि किसी ऐसे अवगुण के बारे में बताया जा रहा होगा जो अवगुण आपके अंदर नहीं है, आपको मालूम है नहीं है, और कोई उसके बारे में कहेगा, तब भी आप आश्वस्त रहेंगे कि मेरे बारे में जो कह रहा है कहने दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे अंदर एक कमी नहीं है, ये अवगुण नहीं है। वो सब तब पता चलेगा जब आप अपने आप को जानने के लिए समय देंगे। अपने आप को समय दीजिए, एक ऐसे व्यक्ति को जानिए जो आपके अंदर ही छुपा बैठा है। क्योंकि मैक्सिमम लोग अपना जीवन साधारण गुजार देते हैं, केवल वो अपने आप को अगर जान ले तो असाधारण बन सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति में असाधारण बनने की संभावना है, हर व्यक्ति को असाधारण बनने की क्षमता दी गई है। आप देखिए, अपनी क्षमताओं पर, अपनी शक्तियों पर विचार करिए, और मैं भी मदद करूंगा आपको, और मदद करूंगा, ये रणनीतियां भी मदद करेंगी आपको अपनी शक्तियों को पहचानने में। आज के लिए इतना ही काफी है, आगे किसी और रणनीति पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।